Very good morning students. I am your science teacher and today I will do activity. In activity I will do kinds of vitamins and its sources. इस activity में मैं आपको vitamin के kinds और उसके sources के बारे में आपको बताऊंगी कि vitamins कितने types के होते हैं और ये vitamins हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, यानी किन चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं और किस में कौन सा विटामिन होता है। तो देखिए विटामिन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप्स के हमारे विटामिन्स होते हैं। अब बच्चों विटामिन बी में भी उनके ग्रुप्स हैं, तो वह हम अभी आपको ना नहीं डिटेल में करेंगे और आप अभी बी के ही बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ये विटामिन्स हैं, ये विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? देखो जो विटामिन्स हैं ज़्यादातर हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल में भी मिलते हैं। और विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ये हमें बीमार होने से बचाते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए हमें विटामिन्स वाले फ्रूट्स लेने चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन ए ये हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। देखिए विटामिन ए बच्चों कई चीज़ों में मिलता है, जैसे विटामिन जो ए है वो हमारे कैरेट, गाजर में मिलता है, मैंगो, आम और जो हरी सब्जियां होती हैं इन सब में विटामिन मिलता है। और बच्चों मेनली दूध को हम, यानी जो मिल्क है उसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं, तो मिल्क में विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम जो विटामिन ए है ये हमें जिनसे मिलता है, देखिए ये एक्टिविटी आपको अपनी साइंस की नोटबुक में करनी है, जो इंटरलीफ है आपकी। तो देखिए यहाँ पे आपका ये प्लेन पेज है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विटामिन ए, आप यहाँ पर हमें उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है जिनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया गाजर में विटामिन ए होता है बच्चों। तो देखिए ये पिक्चर्स है कैरेट की, ये छोटी सी पिक्चर है, आप कहीं से भी इसके पिक्चर्स कट करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम कैरेट पेस्ट करेंगे। और देखिए ये है पपाया, इसमें भी विटामिन ए होता है, इसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे विटामिन ए के नीचे इस तरह से यहाँ पर। तो चलिए हम इनको पेस्ट करते हैं, पहले हम ये कैरेट है इसे हम पेस्ट करते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसके नीचे हम यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे, ये है पपाया जिसमें विटामिन ए मिलता है। देखिए ये पपाया है बच्चों, मैंगो में भी विटामिन ए होता है, जो पके हुए आम होते हैं, कच्चे नहीं पके हुए आम, तो उसमें भी विटामिन ए होता है। आप यहाँ पे मैंगो की भी पिक्चर लगा सकते हैं। और ये है बच्चों एग, एग में भी विटामिन होता है, तो यहाँ पर ये एग की पिक्चर्स लगा देंगे। इसकी हमने ये लगा दी यहाँ पर। और बच्चों मैंने आपको बताया मिल्क, ये देखिए इसके अंदर मिल्क है, तो मिल्क ऑलरेडी कंप्लीट फूड होता है, उसमें हर चीज़ प्रेजेंट होती है, इसलिए हम मिल्क की पिक्चर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने मिल्क की पिक्चर लगा दी बच्चों। यहाँ पे आप जो भी आपको पिक्चर अवेलेबल हो, यानी कि जो भी आपको आसानी से मिल सकती है उसकी पिक्चर कट करेंगे जिसमें विटामिन ए होता है,
और वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है और इसके नीचे आपको इनका नाम लिखना है। जैसे ये क्या है, कैरेट, तो हम यहाँ पर इसके नीचे कैरेट लिखेंगे। ये है पपाया, इसके नीचे आप पपाया की स्पेलिंग लिख दीजिए, एग। एंड दिस इज मिल्क। तो ये हमारे विटामिन ए के प्रोडक्ट हैं, जिसमें विटामिन ए, बच्चों और भी बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है। इसी तरह से है बच्चों विटामिन बी। अब विटामिन बी हमें देखो कहाँ से मिलता है, तो सेब यानी एप्पल, एप्पल में विटामिन बी मिलता है। टमाटो, टमाटर तो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, टमाटर में भी बच्चों विटामिन बी मिलता है। मिल्क, मिल्क में विटामिन बी मिलता है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें विटामिन मिलता है। देखो ये बनाना है, बनाना में विटामिन बी मिलता है और इसमें विटामिन ए भी होता है। देखिए ये है मटर यानी पी, इसमें भी विटामिन बी होता है। तो जिसमें विटामिन बी है, ये हमारी देखो सब्जियां हैं, इसमें कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, इनमें विटामिन बी है। तो ये पिक्चर हम विटामिन बी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कई चीज़ों में विटामिन बी मिलता है बच्चों, तो आपको जिससे भी पिक्चर मिल जाए आप उनकी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पी की लगाई है, आप पी की आपको नहीं मिल रही है, आप किसी और की लगा दीजिए, लेकिन उसमें विटामिन बी ही प्रेजेंट होना चाहिए। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि एक चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, यानी विटामिन ए भी होता है उसमें, बी भी होता है, इस तरह से यानी एक से ज़्यादा विटामिन भी होती हैं। देखिए हमारा बनाना है, केले, इसमें हमारा विटामिन बी है। एप्पल होता है, एप्पल आप खाना आपको अच्छा लगता है, एप्पल में विटामिन बी होता है बच्चों, और एप्पल में और भी चीज़ें होती हैं लेकिन विटामिन बी भी होता है। हम बी में एप्पल की भी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे विटामिन बी के नीचे विटामिन बी वाले पिक्चर पेस्ट करेंगे और इनके नीचे इनके नाम लिखेंगे। ये देखिए पी है, यहाँ पर पी की स्पेलिंग। ये टमाटो है, दिस इज बनाना, और ये हमारे इसमें कई सब्जियाँ हैं, हम यहाँ पर वेजिटेबल लिख देते हैं। तो ये बच्चों विटामिन बी वाली चीज़ें हैं। अब विटामिन बी के बाद बच्चों कौन सा है, विटामिन सी। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप विटामिन सी लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विटामिन सी है, इसके नीचे हम जिनमें विटामिन सी। तो बच्चों जो फ्रूट खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, इमली है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें विटामिन सी होता है। टमाटर, टमाटर में भी विटामिन सी होता है। इस और ग्रेप्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, उनमें भी विटामिन सी होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर विटामिन सी वाली पिक्चर पेस्ट करेंगे। देखिए विटामिन सी किसमें किसमें होता है, कि ये है टमाटो यानी टमाटर, टमाटर खट्टे होते हैं बच्चों, तो इसमें विटामिन सी भी होता है, बी के साथ साथ विटामिन सी भी होता है, इसलिए हम इसे विटामिन सी में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा टमाटो। और विटामिन सी बच्चों किस में होता है, लेमन। तो ये है लेमन यानी नींबू, नींबू खट्टा होता है तो इसमें भी विटामिन सी होता है। तो इसे भी हम यहाँ पर विटामिन सी में
पेस्ट कर देंगे। इसके साथ देखिए ये हैं ग्रेप्स, खट्टे अंगूर। तो जो खट्टे अंगूर होते हैं उनमें भी विटामिन सी होता है, और पकने के बाद भी बच्चों हल्कापन तो उसमें खट्टा होता है, उसमें विटामिन सी होता है, और जो कच्चे होते हैं खट्टे उनमें ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये ग्रेप्स हैं हमारे। अच्छा ये है ऑरेंज यानी संतरा, ये भी खट्टा होता है, इसमें भी विटामिन सी होता है, इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो आपको जितनी भी पिक्चर मिल जाती हैं विटामिन सी से रिलेटेड, आप उतनी पिक्चर कट करके पेस्ट करेंगे। ओके और ये है आंवला, ये भी खट्टा होता है तो इसमें भी विटामिन सी होता है, इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, अब इनके नीचे हम इनके नेम लिखेंगे। देखिए ये है टमाटो, ये लेमन, ये ग्रेप्स, ऑरेंज, आंवला। बच्चों इस तरह से ये है विटामिन सी जिनमें प्रेजेंट होता है, उनकी ये पिक्चर्स हैं और ये इनके नाम हैं। इसी तरह से बच्चों विटामिन डी, विटामिन डी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है देखिए। विटामिन डी, और विटामिन डी देखिए हमारे कई चीज़ों से मिलता है, जैसे मिल्क है, अमूल बटर है, सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा हमें विटामिन डी मिलता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। तो देखिए हम विटामिन डी, बहुत से लोग फिश खाते हैं, फिश से हमें विटामिन डी मिलता है। एग है, एग में भी होता है, तो इन चीज़ों को हम विटामिन डी में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए विटामिन डी में देखिए ये हैं फिश, फिश में विटामिन डी मिलता है। हम यहाँ पर फिश की पिक्चर पेस्ट करेंगे, आपको कुछ और पिक्चर मिल जाती है तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सन से हमें विटामिन डी मिलता है, आप सन की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, जो सन की रोशनी होती है। ये फिश है, ये मिल्क है, मिल्क में तो बच्चों वैसे ही कंप्लीट फूड है, मैंने कहा आपको मिल्क की पिक्चर है, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसमें हर चीज़ प्रेजेंट होती है, इसलिए हम मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। बच्चों इसमें ये बटर है, बटर है, बटर में भी अमूल का बटर आता है, उसमें विटामिन डी होता है। हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब इनके नीचे हम इनके नाम लिखेंगे। आपको जितनी पिक्चर्स मिल जाती हैं बच्चों, आप उतनी पिक्चर्स पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर उनके नीचे आप नाम लिखेंगे। ये फिश हैं, ये मिल्क, ये बटर। इस तरह से आपको जितनी पिक्चर मिल जाती हैं उतनी करनी है। इसी तरह से बच्चों विटामिन डी के बाद विटामिन ई और विटामिन के, इसी तरह से आपको विटामिन ई लिखना है, फिर विटामिन के लिखना है, और उनके पिक्चर पेस्ट करनी है जिनसे हमें विटामिन ई और के मिलता है। बच्चों विटामिन ई हमें किस चीज़ से मिलता है देखिए, विटामिन ई भी हमें कई चीज़ों से मिलता है, जैसे एग है, बनाना है, और जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे भी हमें विटामिन ई मिलता है।
और हमारे विटामिन जो के हैं बच्चों, वो हमारे से कॉलीफ्लावर है, हरी सब्जियां हैं, और शलजम होती है आपकी उसमें मिलता है। इन चीज़ों में हमें विटामिन के मिलता है। तो इनकी आप पिक्चर्स पेस्ट करके आप अपनी जो साइंस की नोटबुक है उसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी साइंस की जो इंटरलीफ कॉपी है उसमें आपको करनी है। तो इसी तरह से आप करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे एक्टिविटी काइंड्स ऑफ विटामिन एंड इट्स सोर्सेस। इसके नीचे आप विटामिन्स के ये नाम लिखेंगे। और फिर आपका जो दूसरा साइड है ये प्लेन साइड इंटरलीफ में विटामिन ए, विटामिन बी, फिर नेक्स्ट पेज पर आप विटामिन सी लिखेंगे, विटामिन सी, विटामिन डी, फिर नेक्स्ट पेज पर आप विटामिन ई, विटामिन के। इसी तरह से आपको कट करके पिक्चर्स पेस्ट करनी है और उनके नाम लिखने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।